तो दोस्तों आज सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए हैं आज जू सफारी के लिए। तो आज हम लोग जाने वाले हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं आज जू सफारी घूमेंगे और उसके साथ ही साथ आज ग्लास ब्रिज घूमेंगे। तो देखते हैं अंदर का व्यू कैसा रहता है, क्या नज़ारा रहता है, तो अंदर देखने के बाद पता चलेगा। तो चलते हैं अंदर और कैसा टिकट प्राइस आता है, क्या रहता है, नहीं रहता है, वो सारा हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ सोनू है और हमारे साथ रॉकी है। तो सुबह सुबह हम लोग निकलने वाले हैं, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हालांकि हम आप लोग को सारा वीडियो आपको हम दिखाते रहेंगे इसी वीडियोस में। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। मेन गेट से घुसते ही अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको जू सफारी के लिए टिकट मिल जाएगी और वहाँ पर आपको ब्रिज ग्लास के लिए टिकट मिल जाएगी। और यहाँ पर हमने टिकट कटा लिया है, देखिए ये 3 टिकट है, 100 रुपये की ये एंट्री टिकट है ना। तो यहाँ जो है 100 रुपये की एंट्री टिकट है और इसके बाद अंदर जाने पर आपको और पैसे लगेंगे। किस चीज़ के लिए, मतलब कि वो जो गाड़ी पर आपको बैठा कर ले जाएंगे पूरा सफारी घुमाने वुमाने के लिए, उसका अलग चार्ज लगेगा। और ब्रिज ग्लास के लिए भी क्या है कि वहाँ से भी अगर आप टिकट लेते हैं तो वहाँ 100 रुपये का आपका टिकट लगेगा और वहाँ से फिर अंदर आने के बाद फिर आपको ग्लास ब्रिज के लिए जो गाड़ी मिलेगी वो उसके फिर अलग चार्ज लगेंगे। तो ये था, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पैसा का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और ये मतलब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। एंट्री फीस टिकट ही 100 रुपया है, उसके बाद अंदर आने के बाद और आपको अलग से फिर चार्ज देना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग जब भी कभी यहाँ घूमने आए तो। और दूसरी बात कि यहाँ ATM अगल बगल में कहीं नहीं है, जो भी आपको मिलेंगे या तो रेलवे स्टेशन की तरफ मिलेंगे या तो बस स्टैंड की तरफ मिलेगी, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ ज़्यादातर ATM ख़राब रहती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कहीं एक प्रॉपर ATM मिल जाए बढ़िया आपको कि आप पैसे निकाल लो, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन का सुविधा नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और यह हमारा राजगीर वन प्राणी सफारी है, वहाँ बाइक वाइक कुछ लगे हुए हैं। यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ आप देख सकते हैं पीछे पहाड़ का लुक, और जो इसका लुक दे रहा है वो बहुत ही अच्छा लुक है। तो भाई यहाँ टिकट का बहुत प्रॉब्लम्स है, ये जो अभी हम लोग रिसेप्शनिस्ट में एक मैडम थी वहाँ से हम लोगों ने बात किया, तो यहाँ एक बड़ी बात मुझे पता चली है कि यहाँ जो हम लोगों ने टिकट लिया है वो अंदर में फ्री में घूम सकते हैं बहुत जगह पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अंदर जाने के लिए फिर एक्स्ट्रा चार्ज। और उसके बाद देखिए टिकट काउंटर सामने ही है, वहाँ से फिर हम लोग को और भी टिकट, ये टिकट लेने बाद और भी टिकट लेना है वहाँ पर हम लोगों को। उसके बाद हम लोग को ग्लास ब्रिज के लिए अलग और जू सफारी के लिए अलग, मतलब घूमने लायक नहीं है यहाँ, लूटा जा रहा है लूटा अब। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि समझें। चलिए देखते हैं, अब आए हैं तब तो यहाँ कोई काम का नहीं, मूड ऑफ हो गया यार, पैसा नहीं है, पैसा बचाने के कारण यहाँ पर आए थे, यहाँ पर तो और लूटा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं चलने के बाद क्या होता है। देखिए अंदर घूमने के लिए 3 आदमी के लिए 6-6 टिकटें हैं, ये 3 हाथ में, एक पिंक कलर का है और एक ब्लू कलर का है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेंगे। अब ये सब जू सफारी का एंट्री है और जू सफारी का ये आपका बस का टिकट है। इसके बाद हम लोग नेचर सफारी यानी ग्लास ब्रिज पे जाएंगे, उसका अलग टिकट लगेगा, लेकिन हम लोगों ने बताया कि हम लोग पटना जू से आए तो थोड़ा सा प्रिफ्रेंस मिल जाएगा। तो देखते हैं अंदर जाने के बाद, यहाँ शायद एंट्री है, देखते हैं अंदर जाने के बाद क्या होता है। तो वहाँ से आपको ये एंट्री टिकट का ये फॉर्म दिया जाएगा और यहाँ से शायद जू सफारी जाने का रास्ता है, तो देखते हैं इधर से किधर जाना है। वाह क्या नज़ारा है, इसके लिए हम लोगों ने ये 100-100 रुपये का ये 3 और 150-150 का वो हम लोगों ने टिकट लगाया है। टिकट है वो टिकट से इस कमरे में 3D थिएटर 180 डिग्री पे है जो आप सभी लोग देख सकेंगे, राइट, और वो टीवी दिखाई दे रही दीवार पे, जस्ट उसके अंदर वाले कमरे में म्यूजियम बटरफ्लाई। थैंक यू, आपको सब कुछ पता है, अभी आगे से जाकर राइट लेंगे, बस आप सभी लोगों को इंतजार, इसके लिए अलग से अंदर, मतलब ये आपकी मशीन करेंगे जो अभी ट्रेवल्स करेंगे। ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और अंदर जाने के बाद देखते हैं, हम लोग को पता तो चल गया कि कम से कम इस टिकट पे अंदर की मतलब पूरी जो व्यूज है वो फ्री होने वाली है। और
उस टिकट पे, मतलब वो जो पैसे हमारे वो पैसे ही है, टिकट नहीं है, उस पैसे पे हम लोग अभी अंदर बस में घूमने वाले हैं। तो अंदर देखते हैं अंदर का व्यू क्या रहता है। लेकिन ये कहने के लायक है कि ये यहाँ का जो लुक है ना बहुत अच्छा है यहाँ का, और यहाँ देख सकते हैं। शायद वो वहाँ से शायद जो गाड़ी आ रही है पता नहीं कि वही है शायद, तो देखते हैं। सो फाइनली अभी हम लोग बस में आए हुए हैं। बस में अंदर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बस का पूरा व्यू है, और यहाँ से हम लोग अभी बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। बस हमारी चल चुकी है तो यहाँ से देखते हैं बाहर का नज़ारा कुछ। आपको बना बनाया खाना मिलेगा, यहाँ खाना बनाना पड़ता है, यानी कि एनिमल को देखना ढूंढना पड़ता है, ठीक है। ये खुली जंगल में इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, देखिए मजा आने वाला है। चलिए ढूंढते एनिमल है कहाँ। फाइनली हम लोगों ने जू सफारी पूरा तय कर लिया है, मतलब कि पूरा घूम लिया है, और इसके बाद अभी हम लोग थिएटर में जा रहे हैं। पता नहीं किस चीज़ की क्या दिखाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग जाकर देखते हैं अभी अंदर में। आप देख सकते हैं यहाँ का अंदर का नजारा, द ओशियन बायोस्कोप। तो यहाँ पर हमारी 3D मूवी चलने वाली है, सो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छी 3D है, तो चलिए चलते हैं और मूवी का मजा उठाते हैं। सांस लेते तभी गिना नहीं ना। और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं, क्यों यकीन नहीं होता ना। चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। महासागर मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है।